कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी 2 किलो लहसुन 10 मिनट में छीलकर और उसका पेस्ट कैसा साल भर स्टोर करना है उसी का भी सीक्रेट तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस लहसुन को हम ना ही कट करेंगे, ना ही गर्म पानी में भिगोएंगे और ना ही गर्म पानी और सोडे का यूज़ करेंगे। इस तरह हमें लहसुन की कलियां अलग करके लेना है। आप देख सकते हो ये देसी लहसुन है और इसकी कलियां भी बहुत छोटी छोटी है और ये छीलने में भी बहुत मुश्किल आती है। तो इस तरह हमें लहसुन की कलियां अलग करके लेनी है। यहाँ मैंने 2 किलो लहसुन की कलियां अलग करके ली हैं। अब हम इसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। आप देख सकते हो पानी बिल्कुल ठंडा है, हमें गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। ठंडे पानी में हम लहसुन की कलियां डाल देते हैं। सारी लहसुन की कलियां हमने इसमें डाल दी हैं। अब एक चम्मच से लहसुन को गीला करेंगे, इस तरह पानी में डुबाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के हम 5 से 6 घंटे इसे भीगने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, लहसुन हमारा अच्छे से भीग चुका है। लहसुन को हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और हाथ से लहसुन को मसलते हैं। 5-6 घंटे में लहसुन अच्छे से भीग जाता है और इसका छिलका भी बहुत इजीली उतर जाता है। 4-5 मिनट मसलने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हो पानी डालने से छिलका ऊपर आ गया है। पानी में गई हुई 2-4 लहसुन की कलियां भी हम निकाल देते हैं। इस तरह हम फिर से लहसुन में पानी डालेंगे। आप देख सकते हो फिर से छिलका ऊपर आ गया है इस तरह, और फिर से लहसुन की 2-4 कली पानी में गई है, वो भी निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं जाती, 2-4 जाती है, पर उसे भी हमें निकाल लेना है वापस। इस तरह ये प्रोसेस हम 2-4 बार करते हैं। जैसे जैसे पानी डालते जाते हैं वैसे वैसे छिलका निकल जाता है। ये प्रोसेस आप नल के नीचे भी कर सकते हो, नल के नीचे ये काफ़ी जल्दी हो जाती है। हमें आपको दिखाना था इसीलिए हम एक बर्तन में कर रहे हैं। आप देख सकते हो 2-4 बार हमने पानी डाला और निकाला। अब हमारा लहसुन पूरा छिल गया है और छिलका निकल गया है। इसी तरह हम सारे छिलके को अलग करेंगे और लहसुन में पानी डालेंगे इस तरह। अब एक छन्नी लेंगे और लहसुन को अलग करेंगे पानी से। ये 2-3 मिनट में अलग हो जाता है। आप देख सकते हो सारा लहसुन हमने निकाल दिया है। इस तरह पूरे छिलके निकल गए हैं। आप देख सकते हो कितने सारे छिलके निकल चुके हैं। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने लहसुन छीला है। अब हम इस लहसुन को वापस बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और पानी डालकर साफ पानी से धो लेते हैं। हमें ये लहसुन 12 महीने स्टोर करके रखना है, इसलिए वो साफ होना बहुत ज़रूरी है। फिर से इस छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए। लहसुन से सारा पानी निकल गया है। अब देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा लहसुन छिल भी गया है। ये लहसुन की कलियां कितनी छोटी छोटी है, हर एक कली का छिलका इजीली निकल गया है। अब एक कॉटन के कपड़े पे हम लहसुन को डाल देते हैं ताकि उसके अंदर का सब पानी निकल जाए और लहसुन सूखा हो जाए। आप देख सकते हो हमने लहसुन को सूखा करके लिया है और ये लहसुन की कलियां कितनी कड़क है। बिल्कुल हम नेचुरल तरीके से लहसुन छीलते हैं तब रहती है वैसी है। जब हम गर्म पानी में लहसुन डालते हैं तो लहसुन आधा पक जाता है। आधा पक जाने से लहसुन की लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है। ये बिल्कुल हम नेचुरली हाथ से छीलते हैं, बिल्कुल वैसा ही कड़क है और हमें ऐसा ही कड़क लहसुन चाहिए। और 2 किलो लहसुन हमने 10 मिनट में छीला है।
अब हम लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट को कैसे एक साल स्टोर करते हैं ये भी सीक्रेट तरीका मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जार में हम लहसुन डाल देते हैं। जार में हमने आधे से थोड़ा ऊपर लहसुन डाला है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। नमक से हमारे 3 फायदे होंगे, एक तो लहसुन अच्छे से पीस जाएगा, लहसुन में हमें पानी नहीं डालना है। दूसरा फायदा होगा लहसुन हमारा साल भर टिकेगा, और तीसरा फायदा ये होगा फ्रीज़र में हमारा लहसुन का बर्फ़ नहीं बनेगा, वो पत्थर जैसा कड़क नहीं रहेगा, फ्रीज़र में भी लहसुन हमारा सॉफ्ट रहेगा। लहसुन में नमक डालकर हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। सब्जी बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखना, लहसुन की पेस्ट में हमने नमक डाला था इसीलिए नमक थोड़ा कम डालें। इस तरह हमने पेस्ट बना ली है लहसुन की। अब हम इसे एक डब्बे में निकाल देते हैं, आप देख सकते हो कितनी अच्छी पेस्ट बनी है। इसी तरह हम सारे लहसुन की पेस्ट बना लेते हैं और डब्बे के ऊपर ढक्कन रख के इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। आपको हमारी ये टेक्निक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार इस तरह से लहसुन छीलकर ज़रूर देखना और इस तरह से पेस्ट बनाकर भी ज़रूर देखना। पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप भूलना मत। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।